नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल पर। आज विचार करेंगे महादुख योग, सकट योग, लाइफ स्लो योग। आप सुने होंगे सकटासुर। सकट गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, लाइफ बैलगाड़ी जैसे स्लो हो जाना या बैल का चक्का। जब भी यह किसी की कुंडली में हो या गोचर में भी ऐसा योग बनने लगे तो उस टाइम के दौरान वो व्यक्ति के जीवन पे ठीक बैलगाड़ी का चक्का जैसे एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार साइड में घूमना यानी अप एंड डाउन लगा रहता है। जीवन भर दुख आते रहता है, कष्ट पीड़ा आते रहता है। कभी थोड़ा सुख मिल गया, फिर दुख मिल गया, कभी सुख मिल गया, फिर दुख मिल गया, ये चलता रहता है उसके जीवन पे। कभी भी स्टेबल लाइफ नहीं बन पाता है। तो यह चलिए देखते हैं ये योग कैसे बनता है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सोचिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर है और वहाँ से काउंट करिए गुरु, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये षष्ठ स्थान पे गुरु बैठ जाए या 7, 8 अष्टम पे गुरु आ जाए, और कभी कभी मैं देखा हूँ द्वादश का भी गुरु हो चंद्रमा से, यानी चंद्रमा से षडाष्टक बना रहा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 षडाष्ट 6 और 8 का रिलेशन बन रहा हो, तो इसको महादुख योग, अप एंड डाउन योग, कोई कोई इसको सकटा योग ऐसा कहते हैं। सो इससे जीवन पे यही होता है कि एक बार आप ऊपर उठते हो और धड़ाम से नीचे गिरते हो, मतलब ऊपर जाओ अच्छा अच्छा सब हो जाए और फिर नीचे गिरो। यह योग एक ऐसा दुर्योग है कि जीवन में बदनाम, कष्ट, पीड़ा और अपमान कहीं भी रास्ता नहीं छोड़ता, हमेशा जीवन भर लगा ही रहता है। और सबसे बड़ा समस्या चंद्रमा से षष्ठ गुरु का मानसिक अशांति, झमेला, झगड़ा, टेंशन और उच्च स्वर में बात करना और मानसिक तनाव ग्रस्तता, अस्थिर लाइफ। सगड़ का चक्का जैसे घूमते रहता है ऐसे ही यह जातक घूमना ही इसके साथ जीवन पे सार बन जाता है और एक जगह में स्टेबिलिटी नहीं आता है। और इससे ज़्यादा अगर षष्ठ से अष्टम का गुरु हो जाए तो गुरु से ही मृत्यु तुल्य कष्ट मानसिक स्तर पे मिलता है। और अगर चंद्रमा से द्वादश गुरु चला जाए, ये तो लग्न में भी कभी कभी दिखाई देता है, यानी ये तो बहुत सी जगह में मैं देखा हूँ कि लेकिन हनपा योग भी बनता है यहाँ कभी कभार। लेकिन अगर पीड़ित बन रहा हो कहीं से ये द्वादश स्थान पे, तो यहाँ विवाह में विलंब होना, झमेला, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा के पीछे पड़ा रहना जिंदगी, ऐसा भी संभावना जातक के जीवन पे आता है। ये तो कुंडली में होने से। लेकिन कभी कभार यह भी देखा गया है कि जब भी चंद्रमा से कहीं भी चंद्रमा बैठा रहे और उस चंद्रमा से अगर गुरु बृहस्पति गोचर में षष्ठम, अष्टम या द्वादश में भी चलते रहते हैं तो भी इसी प्रकार द्वादश में तो बहुत सारा खर्चा, बिना फालतू का खर्चा करवाते हैं, और 6 और 8 ये इसमें थोड़ा सा लाइफ स्लो हो जाना और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आना, अस्थिरता ज़्यादा आना, चक्का जैसे ज़िंदगी भर घूमते रहना, इस प्रकार का दुर्योग दिखाई देता है। हालांकि ये गोचर में एक साल के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ये कहीं से वेद भी हो रहा है तो ऐसा दुर्योग कट भी जाते हैं। ऐसा दुर्योग को काटना एक सूत्र है हमारे ज्योतिष विद्या में, अगर कहीं से मंगल का दृष्टि इस पे, इस गुरु पे आ जाए तो, यानी अगर मंगलदेव
यहाँ से चार स्थान पीछे बैठे हों तो जैसे 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि मंगल का कहीं से हो या सप्तम दृष्टि मंगल का हो या यहाँ बैठ के द्वादश में बैठ के अष्टम दृष्टि अगर या तो षष्ठ स्थान पे या अष्टम में अगर गुरु है तो डाल रहे हों तो कहीं थोड़ा सा इसका खंडित होने का चांसेस दिखता है। लेकिन और पकड़ लीजिए वृश्चिक राशि के ऊपर ही बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा मेष राशि का चंद्रमा है तो भी ऐसे ही आपको मंगल का दृष्टि एकमात्र उपाय है जहाँ से थोड़ा सा घटता है। लेकिन ऐसा दुर्योग जिसके कुंडली में भी हैं बचने का इससे धीरे धीरे स्लो डाउन करने का या उस प्रकार के ऊर्जाओं को जीवन से घटाने का द बेस्ट एंड बेस्ट तरीका कि जीवन पे गुरु बृहस्पति का गायत्री मंत्र जाप करना या गायत्री जप का अनुष्ठान करना ये इसका एक कुछ समाधान दिखाता है। लेकिन फिर भी अप डाउन तो रहना ही है। जैसे नीच भंग, नीच तो हो गया गुरु लेकिन भंग भी हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ, हालांकि ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, पकड़ लीजिए मीन राशि में यहाँ बुध बैठा है तो नीच हो गया। लेकिन यहाँ अगर गुरु का दृष्टि यहाँ कहीं से आ जाए तो नीच भंग भी हो गया। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं और इसको सॉरी यहाँ बैठे हैं और सप्तम दृष्टि में यहाँ से सप्तम दृष्टि में अगर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि में मीन राशि पे जा रहा है या फिर यहाँ का उच्च कोई भी प्लैनेट जैसे शुक्रदेव, शुक्रदेव का सप्तम दृष्टि रहता है तो मीन राशि पे शुक्रदेव का दृष्टि होने के लिए उनको कन्या में बैठना पड़ेगा यानी शुक्र नीच हो जाएंगे तो यहाँ इनका नीच भंग और नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ अगर बुध बकरी हो जाए, नीच का बकरी ग्रह वहाँ जाके उच्च का फल देने लगता है तो यानी ये जिंदगी में गलती तो करेंगे। जैसे एक बार एक जमीन खरीदेंगे या घर खरीदेंगे, एक बार बेचेंगे फिर उसी को खरीदेंगे, फिर बेचेंगे फिर खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी करेंगे। तो यानी नीच का बुध होने के बावजूद यहाँ उच्च का फल दे रहा होता है। तो नीच तो हुआ, गलती तो होगा लाइफ में लेकिन बाद में करेक्शन भी होगा, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो गया होगा। ठीक ऐसा ही ये चंद्रमा से अगर गुरु का अष्टम स्थान षष्ठ स्थान पे चले हो जाए तो या सकटा योग का भी ऐसा ही फल होता है, लेकिन तब तक जिंदगी का बहुत कुछ नुकसान हो गया होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन दबाइए और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।